सत श्री अकाल दोस्तों, आप सब का स्वागत है साडे चैनल पंजाबी क्लास विच। सो दोस्तों, असी लगातार पेपर लेके आ रहे हैं सारी क्लासां दे लई। क्या जी तुसीं साडे चैनल ते जाके उत्ते वीडियो दे विच ऑप्शन जाके है देख सकते हो। सारे लगभग सारी क्लासां दे पेपर असी लेके आंदे हां, कोशिश हुंदी है सॉल्व करके लेके आईए। सो अज असी लेके आ रहे हां पंजवीं जमात का अंग्रेजी का यानी कि फिफ्थ क्लास का इंग्लिश का सैंपल पेपर, जो कि पूरी तरह हल किया होया है, सॉल्व किया होया है। सो आओ शुरू करते हैं। सो सब तो पहला है नंबर वन ए, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो 10 नंबरों का है, करते हैं। सब तो पहला मैं ऊपर पैसेज पढ़ता हाँ। फरोग पाला एंड हिज वाइफ बीरो लिव्ड नियर द पौंड इन अ विलेज। डड्डू पाला तो उसकी घरवाली वह पिंड के किनारे एक तला दे विच रहिंदे सन। अ फ्यू ईयर बैक, कुछ साल पहला, देयर वर मैनी ट्रीज अराउंड द पौंड। कुछ साल पहला उस तालाब के आले दुआले काफ़ी सारे दरख्त सन। इट वॉज अ कूल एंड काम प्लेस टू लिव इन, यह एक शांतमई जगह सी रहन वास्ते। बट नाउ देयर वर मैनी टॉल बिल्डिंग विद ग्रेट हस्टल एंड बस्टल अराउंड द पौंड। हुण उत्थे बहुत सारिया वड्डिया वड्डिया बिल्डिंगा बन गई हैं, सो जिते बहुत ज़्यादा चहल पहल लगी रही है। इट वॉज नो लोंगर कूल एंड काम, हुण ज़्यादा देर यह जगह हुण ज़्यादा आरामदायक नहीं रही। पाला वॉज हैप्पी विद द फास्ट मूविंग लाइफ, जिहड़ा पाला है वह तेज तरार जिंदगी देख के लोगों की भीड़ देख के खुश है। अराउंड द पौंड तालाब के आले दुआले, बट बीरो वॉज इरीटेटिड विद द लिटल नीयर द पौंड। जिहड़ी बीरो है वह इरीटेट हुंदी है, उसनू खिच चढ़दी है पौंड के आले दुआले भीड़ देख के। सो हुण क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, वेयर डिड द पाला एंड बीरो लिव, पाला तो बीरो कितने रहते सन। सो उपर पैसेज विच पढ़िया है, यह तो आंसर है बी, नीयर द पौंड। पौंड का मतलब तालाब, तालाब के कंडे दे। अगे नंबर टू, हू वॉज हैप्पी, खुश कौन सी। सो यह आंसर है ए, पाला। पाला खुश सी भीड़ वगैरह देख के। हू वॉज इरीटेटिड, कौन दुखी सी या खिंचदा सी, वह है बीरो, भीड़ में देख के खिंचती सी, दुखी सी। नंबर फाइव, चेंज द नंबर फ्रॉग। सो बहुत वचन बनाने हैं, फ्रॉग का बनेगा फ्रॉग्स, यह है बी ऑप्शन। स्पैलिंग सही वाले लिखने हैं तुसी, एफ आर ओ जी एस, सो ये टिक लगाना है। सो अगे सैक्शन बी, पिक्चर एडवरटाइजमेंट बेस्ड क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो ये 3 नंबर के हैं। सो एक बार पहला उपर तुम इस तरह एक तस्वीर दी होगी, वो ही क्वेश्चन पूछे गए होंगे। सो पहले तस्वीर देखते हैं। सो उपर लिखा है सिटी जू मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू 4 PM, सैटरडे 9 AM टू 5 PM, संडे हॉलीडे। सो सोमवार तो शुक्रवार सवेरे 9 बजे तो 4 बजे तक, शनिवार 9 बजे तो लैके 5 बजे तक, तो एतवार को संडे को हॉलीडे है, संडे को बंद है। सो हम क्वेश्चन करते हैं, ऑन विच डे जू विल क्लोज एट 5 PM। सो किहड़े दिन जिहड़ी जू है 5 बजे बंद होंदी है। सो उपर देख सकते हो सैटरडे सवेरे 9 बजे खुलती है 9 AM ते, 5 PM ते बंद हो जाती है। सो आंसर है सी, सैटरडे। अगे है नंबर 7, ऑन विच डे जू विल क्लोज एट 4 PM। सो किहड़े दिन जिहड़ी जू है 4 बजे बंद होंदी है। सो थले ऑप्शन दिए गए हैं, सो असी पढ़ना है उपर, मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू 4 PM। सो मंडे तो जिहड़ी फ्राइडे है, जू जिहड़ी है 4 बजे बंद हो जाती है। अगे नंबर 8, ऑन विच डे जू विल क्लोज, किहड़े दिन जू बंद रहती है। सो संडे इज अ हॉलीडे, सो संडे क्लोज रहती है, बंद रहती है। सो डी आंसर है। सो अगे सैक्शन सी, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन डू एज डायरेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो आओ करते हैं। सब तो पहला, अंडरलाइंड द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसिस। सो नाउन लभने हैं। सो नंबर वन, द डॉग इज अ फेथफुल एनीमल। सो ये डॉग है नाउन। सो नंबर टू, मोती किल्ड द स्नेक। सो ये मोती ते स्नेक दोने ही नाउन हैं, नाव हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स। सो ए एन द, ठीक है जी। सो बच्चे तो तुम पहला दस दें, असी थोड़ी सहूलत के लिए भरे हुए हैं जिहड़े इहदे विच खाली थावा ने, पर पेपर दे विच नहीं भरिया होणगियां, तुसीं आप भरनियां, ठीक है। सो नंबर एक, दिस इज नॉट डैश ईजी एक्सरसाइज। सो इत्थे आएगा दिस इज नॉट एन ईजी एक्सरसाइज। अगे है नंबर दो, मीनू हैज डैश बनाना एंड डैश एप्पल इन हर बैग। सो इत्थे लिखांगे
मीनू हैज ए एप्पल एंड एन एप्पल मीनू हैज ए बनाना एंड एन एप्पल इन हर बैग। ठीक है जी। सो अगे फिल इन द ब्लैंक विद इज एम आर। सो ये तिन्नां दे विचों लगाने हन जिहड़े वी उत्ते आंदे हन। सो करदे हां नंबर वन देयर डैश नो मिल्क इन द जग। इत्थे आएगा देयर इज नो मिल्क इन द जग। अगेन नंबर टू वॉयस डैश हंगरी। इत्थे आएगा वॉयस आर हंगरी। अगे है सैक्शन डी लिटरेचर पार्ट है एनी फोर आउट ऑफ सिक्स। ठीक है जी। सो ये करते हैं नंबर वन हू वॉज द शूमेकर रिच और पुअर। कि जिहड़ा शूमेकर सी ओह गरीब सी के अमीर सी। आंसर द शूमेकर वॉज पुअर। शूमेकर जिहड़ा सी ओह गरीब सी। नंबर टू हू लिव्ड नीयर द पौंड। तालाब दे नेड़े कौन रहिंदा सी। आंसर फ्रॉग पाला एंड हिज वाइफ बीरो लिव्ड नीयर द पौंड। जिहड़ा डड्डू पाला है ते उहदी घरवाली बीरो है ओह जिहड़ा है तालाब दे लागे रहिंदे सन। अगे नंबर थ्री हू हेल्प्ड द शूमेकर। शूमेकर दी किसने मदद कीती। आंसर टू लिटल एल्फ्स हेल्प द शूमेकर। दो छोटे एल्फ्स ने शूमेकर दी मदद कीती। नंबर चार व्हाट डज द चाइल्ड सी इन द स्काई। बच्चे ने आकाश दे विच आसमान दे विच की देखिया। आंसर द चाइल्ड सी बर्ड लाइक मशीन इन द स्काई। सो बच्चे ने एक चिड़ी वर्गी मशीन हवा दे विच देखी। अगे है नंबर पांच ये वोकैबलरी दा है राइट द करैक्ट वर्ड फॉर द गिवन पिक्चर। सो बच्चे उपर तुहानू इस तरह तस्वीरां दित्तियां होणगियां पेपर दे विच नीचे थले ना खाली होणगे। ये तां असीं हुण भरे होए आ तुहाडे लई पर ये खाली आउणगे नीचे तुसीं लिखणा ओह है की। जिवें तुसीं देख सकदे नंबर वन दे उत्ते ये पीले रंग का की है ये है टावल। सो ए है टवा ए है टूथ ब्रश। उस तो बाद ए है सोप यानी कि साबुन। तो उस तो बाद की है कौंब यानी कि कंघी है। उस तो बाद है नील कटर। सो ये खाली थावां तुसीं भरनियां हन। ठीक है अगे है पिक्चर कंपोजिशन राइट एनी टू सेंटेंसिस फॉर द गिवन पिक्चर। तो बच्चों ये तुसीं करना है कोई भी इत्थे तस्वीर आएगी तुहानूं पेपर दे विच उहदे उत्ते दो सेंटेंस लिखने हन। सो अगे है नंबर सैवन गाइडेड कंपोजिशन। ये पंज नंबरां दी है यूज द वर्ड गिवन बिलो टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसिस। सो नीचे ना तुहानूं पंज दित्ते हुए ने सेंटेंसिस उन्हां दे विच खाली थावां भरनियां ने उपर सानूं ऑप्शनां दित्तियां होईयां हन उही भरनियां। ठीक है। सो करदे हां नंबर वन दिस इज माई पैट। ए मेरा पालतू जानवर है। नंबर टू इट्स नेम इज डैश। सो उपर जिहड़े ऑप्शन दित्ते हुए हन इट फेथफुल कालू ब्लैक ते ब्ले। सो इस तों साफ पता लगता है जिहड़ा जानवर दा नां सी किद्दां दा रखदे कालू। सो इट्स नेम इज इत्थे आएगा कालू। ठीक है। उस तों बाद नंबर थ्री इट इज डैश इन कलर। उसका रंग इतने डैश है कि रंग है। सो उपर देखो रंग कि लिखा इतने ब्लैक की लिखा है ब्लैक। सो यह कलर है ब्लैक। नंबर फोर आई डैश विद इट। मैं इस नाल करदी हाँ या करदा हाँ इतने आएगा खेडदा हाँ यानी कि आएगा प्ले आई प्ले विद इट। फिर अगे है नंबर फाइव डैश इज वेरी फेथफुल। ठीक है जी। इतने आएगा उपर लिखा इट इट इज वेरी फेथफुल ये बहुत वफादार है। सो बच्चे उस तो बाद आता है तुहाडा गुड हैंड राइटिंग का। ठीक है जी। सो सोहनी सोहनी हैंड राइटिंग करके आना तो जो तुहानू ज़्यादा तो ज़्यादा नंबर मिल सकन। ठीक है जी। सो बच्चे ये सी फिफ्थ क्लास यानी कि पंजवीं जमात का इंग्लिश का अंग्रेजी का पेपर असी तां लैके आए सॉल्व करने लिए। सो दोस्तों साडे चैनल में जरूर सबसक्राइब कर लेना इस तरह के पेपर ता जो तुहानू समय समय से मिलते रहन। जे कई बार तुहानू नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो साडे चैनल पर जाके तुसीं उत्ते सर्च कर लेना है साडा चैनल पंजाबी क्लास उत्ते तुहानू सारे मिल जाणगे। ठीक है जी। सो अजे तक लई इन्ना ही मिलते हैं नवी वीडियो विच नवी जानकारी लैके। तद तक लई धन्नवाद।